अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी गई है। वहीं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उपस्थित थे और विधि विधान से पूजा की है। वहीं बता दें आपको कि हम तस्वीर आपको दिखा रहे किशनगढ़ की, जहां पे वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत द्वारा यहां पे आयोजन किया गया है। यहां पे भंडारा भी किया गया और साथ ही खुशी मनाने के लिए यहां पे उन्होंने कीर्तन भी करवाया। साथ ही यहां पे खुशी मनाने के लिए यहां पे पटाखे भी जलाए और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर यहां पे विधि विधान से पूजा की है। आइए देखते हैं दौरा शर्मा के साथ कशिश की रिपोर्ट। राम जन्म भूमि पूजन के मौके पर किशनगढ़ में भी वसंत कुंज के निगम पार्षद के द्वारा कार्यक्रम किया गया। इसमें कीर्तन हुआ, साथ ही साथ यहां पर लोगों को भंडारा भी वितरण किया गया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के किशनगढ़ गौशाला मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर कीर्तन किया गया और रंग में सभी नज़र आए और यहाँ पर झूम कर लोग भी नाचे, साथ ही साथ वसंत कुंज के निगम पार्षद भी नाचे, क्योंकि कई सालों पुराना जो विवाद था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद राम जन्मभूमि की जो नींव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रख दी गई। इसके बाद दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जश्न का माहौल रहा। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की दिखा रहे हैं, यहां पर पूरी तरीके से जश्न का माहौल रहा, रंगारंग कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर कीर्तन किया गया और एक से एक भक्तिमय गाने गाए गए, जिसके बाद लोग भी यहाँ पर थिरकते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किशनगढ़ इलाके की, जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राम जन्मभूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद यहां पर जश्न का आयोजन रहा। वहीं यहां पर पहुंचे हुए लोगों को भी भंडारा भी कराया गया। खुद वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत लोगों को भंडारा देते हुए नज़र आ रहे। जी हाँ, यहाँ पर भंडारे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर लोगों को भंडारा दिया गया, क्योंकि कोरोना महामारी का खतरा भी लगातार जारी है और इस वजह से सोशल डिस्टेंस बनाई गई। और इसी तरीके का कार्यक्रम गौशाला मंदिर के अंदर रखा गया राम जन्मभूमि पूजन के मौके पर। शिलान्यास रख दिया गया, किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं आज? क्योंकि ये पर्व आज एक दिवाली का पर्व है हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और समस्त भारतवासियों के लिए आज का ये ऐतिहासिक दिन हम सब भाग्यशाली जो हम सबको देखने को मिला। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन जितनी खुशियाँ ना कभी देखी थी और भगवान शायद आगे इससे ज़्यादा देखेंगे भी क्या, जब भगवान श्री राम के मंदिर की शिलान्यास का हमने कार्यक्रम अपनी आँखों से देखा। क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किए आज, क्या खास रहेगा आज? इसलिए हमने एक अपनी बड़ी स्क्रीन लगा के कार्यक्रम चलाया अपने भगवान श्री राम के शिलान्यास का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अयोध्या में आज किया गया। साथ ही एक श्री राम के भजनों का एक भव्य भजन का कार्यक्रम रखा, जैसा कि आप आवाज़ में सुन रहे होंगे। दूसरा हमने यहाँ भंडारे का एक विशेष इंतजाम किया कि भगवान राम के इसे भूमि पूजन के उपलक्ष्य में भंडारा हो, इसमें
तक। आज शाम का क्या खास इंतजाम रहेगा आपकी तरफ से? शाम को हमने अपने क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों से अपील की और निवेदन किया है कि आप दिवाली के रूप में आज के गुरु पूजन के दिन को मनाएं और अपने घरों में दिए जलाएं, आतिशबाजी करें, मिठाइयाँ बांटें, जो खुशियाँ मना सकते हैं हम दिवाली से की तरह ही।